इधर काम चल रहा है कश्मीर में टनल बनने का, जोरों शोरों से काम चल रहा है। और इधर तो छर्री निकाल रही मशीन, पत्थर को तोड़कर ना छर्री बना रही। तो टनल मेरे सामने है, इस टनल का नाम क्या है ना, तो अभी ना दूसरा टनल में इंटर किया हूँ। इस टनल में ना पूरा अंधेरा है, कहीं कहीं लाइट जलाया गया है। और ना कश्मीर में ना बहुत तेज़ी से काम चल रहा है, बहुत सारा टनल बन रहा है कि कोई दिक्कत ना हो इसी चलते। तो शाम के बज चुकी 4 और इस टाइम ना नाश्ता करने का टाइम हो ही चुका था, तो अभी मैं खा रहा हूँ बिस्किट, इधर है चिप्स। इसके अलावा ना इस जंगल में ना कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो आज का ये 5वां टर्नल होगा जो एंट्री करने जा रहे हैं। तो सुबह के बज चुकी 7:30 और मिशन कश्मीर का ये 4th रात रहा, जिसमें 2 नाइट श्रीनगर में गुजारा, 1 नाइट कहाँ गुजार रहा हूँ आप सभी को मैं जाते समय इस प्लेस का नाम भी बता दूंगा। फिलहाल ना मैं बाहर का दृश्य दिखाता हूँ, और फिलहाल सुबह सुबह मैं इधर चावल बनकर रेडी हो चुकी है, इसमें घी मिलाकर मैं खा लूँगा। भाई जी नहीं खाएंगे घी और चावल, इसीलिए मैं थोड़ा सा चावल बनाया हूँ। फिलहाल बाहर का मैं दृश्य दिखाता हूँ कि मैं तो कुछ यहाँ पर मैं साइकिल खड़ा कर दिया हूँ, और ये रहा पेट्रोल पंप, बहुत बड़ा पेट्रोल पंप है। तो कल शाम को मैं गुजर रहा था, तभी पानी लेने के लिए यहाँ पर रुका था, तभी पेट्रोल पंप से भाई जी पूछा कि यहाँ पर रुक सकते हैं। बोल दिन दास बोल दी यहाँ रुक जा, कोई दिक्कत नहीं है, बोले कैंपिंग ऊपर कर लेना घास के ऊपर। तो कैंपिंग कर लिए, आराम से नींद आ जाता खतरनाक। और ये जो आवाज़ आ रही ना, ये बहुत बड़ा फैक्ट्री है सामने, और रात भर ना इसी तरह आवाज़ करते रही, लेकिन कोई दिक्कत नहीं हुआ, आराम से हम लोग सो गए। फिलहाल इस प्लेस का नाम क्या है खाना खाने के बाद बताते हैं, और आज कहाँ जाने वाला है। लेकिन आज ना काफ़ी यूनिक वीडियो होने वाला है, क्यों कश्मीर मिशन कश्मीर का 4th डे देखते कैसा गुजरता है। फिलहाल 3 दिन तो अच्छा गुजरा, कोई दिक्कत नहीं हुआ, कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं, भले ही अफवाह कितना ही फैला ले, लेकिन जब हम साइकिल से घूम सकते हैं तो नॉर्मल बात है कि कश्मीर सही सलामत है, और ऐसा कुछ भी बात नहीं, ना कोई भूखे मर रहा है, सभी काम कर रहे हैं, सभी जॉब कर रहे हैं, सभी पढ़ाई कर रहे हैं, अपने अपने काम में बिजी है। बस जिस तरह हर सिटी में होता है उसी तरह श्रीनगर भी है। और खैर खाना खाते हैं उसके बाद फिर मिलते हैं। तो इधर हो चुके रेडी, और सुबह के बज चुकी है 9, बस यहाँ से निकलने का विलम्ब है। अभी मैं रुका हूँ खुदवानी में, और खुदवानी से लगभग 500 मीटर पीछे पेट्रोल पंप था, उसी पेट्रोल पंप के किनारे हम लोग यहाँ पर कैंपिंग कर देते। फिलहाल आज की ब्लॉग करते स्टार्ट। राधे राधे सीताराम, सबसे पहले आप सभी को प्यार भरा गुड मॉर्निंग, झारखंड टू ऑल इंडिया से कलात्रा में स्वागत है। तो अभी मैं हूँ कश्मीर में, और श्रीनगर से लगभग 50-60 किलोमीटर हम लोग आगे आ चुके थे, और अभी ना हाईवे क्लियर है, और आगे ना टर्नल आने वाली है, वो भी 9 किलोमीटर का है समथिंग, इसी तरह वहाँ जाने के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल यहाँ से निकलते हैं, उसके बाद फिर मिलते ही। तो फाइनली गाइस निकल चुका हूँ, और इतना गर्मी है ना, सोचा नहीं था कि कश्मीर में भी इतना गर्मी होगा, मेरा फेस से ही पता चल रहा होगा कि कितना गर्मी है यहाँ पर। और ना अगर इसी तरह गर्मी रहा ना तो हालत ख़राब हो जाएगी राइडिंग करने के लिए। खैर कोई बात नहीं, हाईवे सही है, तो आराम से धीरे धीरे जा रहे हैं। आगे कुछ खाने के लिए मिलेगा तो ले लेंगे। सर एप्पल सर, तो यहाँ पर एप्पल, हेलो एप्पल लोगे? हाँ सर। अरे कुछ नहीं बोला। खैर कोई बात नहीं, चले आगे कहीं पर ले लेंगे एप्पल। तो इस सिटी का नाम है मंधोल, क्योंकि पीछे बोर्ड में लिखा हुआ था, उस समय मैं कैमरा बंद कर दिया था इसी चलते। फिलहाल आज सब दुकान है, लेकिन हमको ना फल खाने का मन कर रहा है, लेकिन फल मिलेगा तब ना, पीछे मिला लेकिन भाई जी रुका नहीं, तो 1 kg ना ले ही लेता। तो मॉर्निंग में मेरा ब्रेकफास्ट हो चुका था, लेकिन भाई जी के नहीं हुआ था, तो अभी कोल्ड ड्रिंक और मिक्सचर खा रहा है, तो मैं भी साथ में अमूल कूल लिया पीने के लिए, तो पीता हूँ उसके बाद फिर यहाँ से निकलते अपनी अगली पड़ाव की ओर।
तो सोच रहा था कब से कि एप्पल का प्लांट मिलेगा कहाँ, लेकिन ना काफ़ी दूर में मिला है। एप्पल तो फड़ा हुआ है, लेकिन ना मेरा सपना पूरा नहीं होगा अपने हाथ से तोड़ा खाने का, पता नहीं, देखते हैं। अगर आगे मिल जाएगा तो अपने हाथ से ना तोड़ा जरूर खाऊंगा। काफ़ी बड़ा प्लांट है, लेकिन फर्स्ट टाइम देखे हैं कश्मीर में एप्पल का प्लांट। ओह माय गॉड, तो यहाँ पर ना लिखा गया है कश्मीर से कन्याकुमारी एक है ना, और एक ही था, है और एक ही रहेगा आगे भी। तो टर्नल आ चुका हूँ, बनिहार टर्नल, जो 8.45 किलोमीटर का है। फर्स्ट था अटल टर्नल 9.2 किलोमीटर, सेकंड पर यह है, लेकिन यहाँ पर साइकिल अलाउड नहीं है, तो हम लोग जाएंगे फोर व्हीलर से। पुलिस वाले कैसे लेके जाएंगे पता नहीं, लेकिन जाना है इस बार, देखते हैं। साइकिल अलर्ट कर देते हैं तो सही है, नहीं तो फिर चले जाएंगे। तो टर्नल में ना साइकिल अलाउड नहीं है, तो पता नहीं कैसे जाएंगे, कोई गाड़ी वाला आएगा तो पीछे बैठ कर चले जाएंगे। फाइनली यहाँ से एंट्री होता टर्नल, और आस पास का व्यू ना कुछ इस तरह, साइकिल वहाँ पर पार्किंग कर दिया हूँ, और इधर तो मिलिट्री है। अगर साइकिल से ज़्यादा ना मज़ा आया तो जाने में, खैर कोई बात नहीं, जो किस्मत में लिखा होगा ना वही होगा। तो फाइनली गाइस अभी निकल चुके हैं, और ये टर्नल इंटर गाड़ी के साथ काफी मजा आ रहा है गाइस, मतलब गाड़ी पर जाने का मजा नहीं चला बनता है। तो फाइनली गाइस टर्नल से आ चुके बाहर, इतना खतरनाक स्पीड में, इतना खतरनाक कि 6 से 7 मिनट में बाहर आ चुके हैं, और ना काफ़ी धूल उड़ रही थी अंदर पता नहीं क्यों। और साइकिल एंट्री इसलिए नहीं था ना, क्योंकि ना जो टर्नल था ना बहुत पतला था, अटल टर्नल तो बहुत चौड़ा था, वहाँ पर पैदल भी आ सकते जा सकते, लेकिन यहाँ पर ना पैदल आ भी नहीं सकते थे ना जा सकते थे, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट टर्नल था, लेकिन एक्सपीरियंस अच्छा था। और स्पीड के चलते ना मैं वीडियो नहीं बना पाया अंदर, खैर कोई बात नहीं। आप इस पर आ चुके हैं, अब यहाँ से आराम से पानी कहीं भर लेंगे, पानी मिलेगा तो उसके बाद यहाँ से फिर निकल जाएंगे आगे। तो दोपहर के बज चुकी है 1, और इस टाइम खा रहा हूँ चूड़ा फुलाकर, इसमें शक्कर डाल दिया हूँ, क्या करूँ मजबूरी है, खाना मिलेगा नहीं। और यहाँ का व्यू ना कुछ इस तरह है, ऐसा लग रहा ना कि जैसे आ चुका उत्तराखंड जैसा और हिमाचल जैसा फील हो रहा है। तो फिलहाल खाते उसके बाद यहाँ से निकलेंगे, और सर जी अभी मोबाइल में छेड़छाड़ कर रहे हैं, पता नहीं किसके साथ चैट कर रहे हैं। जब भी कैमरा ऑन करता है ना, या किसी से बात करेंगे या किसी से चैट करेंगे, पता नहीं कौन है, हमको भी नहीं बताते। फिलहाल अभी थोड़ा खाते हैं, उसके बाद ना यहाँ से 11 आगे टर्नल है, कितना किलोमीटर आगे है पता नहीं, फिलहाल चलते हैं शाम तक, जहाँ तक जाएंगे वहाँ तक जाएंगे, और जहाँ उनका इच्छा होगा कि आया यहीं पर रुकना है तो यहीं पर रुक जाएगा। अगर शाम रहता ना, अगर 5 बजे रहता ना, तो हम लोग यहीं पर कैंपिंग करते हैं, क्योंकि आस पास पानी कहीं से ले आते हैं, आराम से कैंपिंग करते हैं, आराम से सो जाते हैं, सुबह उठते फिर यहाँ से निकलते हैं। लेकिन मस्त जगह है ना सोने वाला, रुकने वाला मस्त जगह था। खैर कोई बात नहीं, सबसे पहले चूड़ा खाते हैं, क्योंकि हमारा ज़िंदगी यही है दोपहर का खाना। ये तो भाई जी खाते नहीं है राजस्थान के, ये बोलते खोआ खाएंगे, खोआ कहाँ से बनाए इसके लिए। तो इधर ना वो टेपर दिख रहा है ना, सब इधर ना मधुमक्खी का प्लांटिंग चल रहा है, इसमें मधु निकालने का इधर बहुत ज़्यादा चल रहा है, बहुत ज़्यादा, और आगे भी बहुत सारा बक्सा रखा गया है, और किस समय निकालते ना वो मुझे नहीं पता, लेकिन तो जरूर पता है ये मधुमक्खी पालन प्लांटिंग है। तो इधर ना काफ़ी लंबा जाम लग चुकी है, इसीलिए तो हम लोग रॉन्ग साइड चल रहे हैं, और पिछले ना 2 किलोमीटर से हम लोग रॉन्ग साइड ही चल रहे हैं, और ये जाम कहाँ तक है पता नहीं। तो खैर साइकिल वाला को ना यही फायदा होता है कि कहीं पर भी लेके चले जा, अगर मोटरसाइकिल रहता ना तो अभी मैं पीछे ही फंसा रहता, तो साइकिल वाला को बहुत उपाय रहता है आगे निकलने के लिए, अगर जाम भी लग गया ना तो साइकिल उठा और सीधे दूसरे एरिया में लेके चले जा। तो फाइनली गाइस दूसरा टर्नल के पास आ चुके हैं, बस टर्नल से पीछे है, ये रहा टर्नल आगे,
और आज ना काफ़ी प्रॉब्लम हुआ, काफ़ी डिफिकल्ट आज का राइड रहा, क्योंकि ना काफ़ी धूप और प्लस में धूल दोनों मिला बहुत ज़्यादा। ओहो, और इतना भीड़ है गाड़ी का, पूरा जाम, मतलब कि हम लोग ना 10 किलोमीटर हम लोग पीछे हैं, नहीं तो अभी से ना 10 किलोमीटर और आगे हम लोग रहते। खैर कोई बात नहीं, अब क्या ही करें, अभी ना बन रही ना, अभी कश्मीर अभी यहाँ काम चल रहा है बहुत ज़्यादा, इसी चलते मतलब कि 3-4 साल के अंदर ना कश्मीर एक नंबर हबे बन जाएगी और शहर भी एक नंबर होगा, मतलब कि हर एक चीज़ बन जाएगी। तो टर्नल मेरे सामने है, इस टर्नल का नाम क्या है ना, डिवर्सन यहाँ पर लिखा गया पता नहीं, और ये टर्नल नया बनी है और काफ़ी चौड़ी है, इसी वजह से कल अलाउड है, कितना लंबा है मुझे नहीं पता। फिलहाल इंटर तो कर चुके हैं, अब चलते हैं साइकिल से, काफ़ी मज़ा आएगा गाइस। हवाएं आती है, ओह बाहर तो गर्मी थे लेकिन अंदर आने के बाद ना ठंडा, पूरा ठंडा। तो अभी ना दूसरा टर्मिनल में इंटर किया हूँ, आई टर्मिनल में ना पूरा अंधेरा है, कहीं कहीं लेट जलाया गया है, और ना कश्मीर में ना बहुत तेज़ी से काम चल रहा, बहुत सारा टर्मिनल बन रहा है कि कोई दिक्कत ना हो, इसी चलते अभी ये बनना स्टार्ट हो गया, अभी पूरा काम कंप्लीट नहीं हुआ है, इसी चलते तत्कालीन ये बनाया गया है आने जाने का, क्योंकि ना अगर ये सीधा नहीं निकलते ना तो हमको कम से कम 2-3 किलोमीटर हम लोगों को घूम के जाना पड़ता, तो सरकार ने अभी ही स्टार्ट कर दिया रोड, अभी आगे निकलने वाले हैं। तो इधर ना काफ़ी ख़तरनाक जाम लगी हुई है, तो हम लोग रॉन्ग साइड आ चुके हैं, वो अलर्ट किए थे पुलिस वाले ही, आर्मी वाले ही, किधर से चले जा, तो जितने भी ट्रैक है ना उन लोग वो लेफ्ट साइड हैं, हम लोग राइट साइड से जा रहे हैं, जितने भी छोटे गाड़ी मारुति है, मोटरसाइकिल हो। और यहाँ पर ना आस पास ना एप्पल बेचते हुए मिल जाएंगे, अभी पंजाब तरफ जा रहे हैं सर, नहीं थकेंगे, अब तो हर कदमों में जान है, अब तो हमारे पड़ों ने उड़ान भरी है। तो गाइस ये है कश्मीर का दूसरा टोल प्लाजा, और काफ़ी बड़ा टोल प्लाजा है, काफ़ी खूबसूरत है, काफ़ी अच्छा डेकोरेशन भी किया गया है, भले ही गोप्रो में दिखाई नहीं पड़ रहा होगा लेकिन डेकोरेशन ना नेक्स्ट प्लेस का, नेक्स्ट लेवल का है। तो आज का ये 5वां टर्नल होगा जो एंट्री करने जा रहे हैं, और ये कितना लंबा है पता नहीं, जो फर्स्ट टर्नल इंटर किए थे ना वो 1 किलोमीटर का था, दूसरा 0.5 किलोमीटर का, तीसरा भी 0.5 किलोमीटर का ही लंबा था, और चौथा था 100 मीटर का, और ये पता नहीं कितना किलोमीटर का है, लेकिन ख़तरनाक है, घुमाच है। वाओ, अभी है तो बन रही ना, बनना स्टार्ट हुई भी है अभी ना, निपाई पोताई कुछ भी नहीं हुआ है, और ये भी 500 मीटर का होगा, 200-300 मीटर का होगा ये टर्नल। इधर काम चल रहा है कश्मीर में टर्नल बनने का, और जोरों शोरों से काम चल रहा है, और इधर तो छर्री निकाल रही मशीन, पत्थर को तोड़कर ना छर्री बना रही। तो शाम के बज चुकी 4, और इस टाइम ना नाश्ता करने का टाइम हो ही चुका था, तो अभी मैं खा रहा हूँ बिस्किट, इधर है चिप्स, इसके अलावा ना इस जंगल में ना कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो फिलहाल खाते हैं। आगे से ना घाटी है, वहाँ तक घाटी है, उसके बाद एक टर्नल मिलेगा, वो भी काफ़ी लंबा टर्नल है, देखते हैं कितना किलोमीटर टर्नल है, वहाँ साइकिल एंट्री है या नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन ना ये रोड ना जाए ना, लेकिन जो टर्नल बन रहा है ना ये पहाड़ के बीचों बीच बन रहा है, और ये टर्नल आगे निकालेगी, लेकिन अभी 2 साल या 1 साल लेट है टर्नल में गुजरने के लिए, चालू होने के लिए टर्नल, तो मतलब कि कश्मीर 2 साल के अंदर ना बहुत बदल जाएगी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि विकास ना नेक्स्ट लेवल का हो रही है, नेक्स्ट लेवल का सोच। तो फाइनली गाइस शाम के बच्चे के 5:30,
अरे कौन सा सिटी है, नाम तो नहीं पता, गूगल। रामगढ़, रामबंद सिटी है, काफ़ी खूबसूरत सिटी है। अरे सिटी ना पूरा पहाड़ के ऊपर बसी है, पूरा पहाड़ के ऊपर, पूरा रोड ना पूरा रोड ही ख़राब है कहीं कहीं, और ख़राब होने का एक ही रीज़न है क्योंकि ऊपर देख सकते हैं रोड बन रही ना, 4 लेन बन रही है इसी चलते। ओहो, और यहाँ पर ना झारखंड और बिहार यूपी का बहुत सारे लोग काम करते हैं, ज़्यादा झारखंड और बिहार के मिल जाएंगे। इधर ना राइडर बहुत कम दिखाई पड़ रहे हैं, मोटरसाइकिल वाले भी, हमने सुबह से लगभग 2 से 3 राइडर को देखा बस, और साइकिल राइडर पिछले 2-3 दिन से नहीं देखा। तो गाइस शाम के बज चुकी है 7:30 बज चुकी है, और अभी तक ना रहने का कोई व्यवस्था नहीं हुआ है, और अभी तक ना टर्मिनल भी पार नहीं किए हैं, और आगे टर्मिनल है या घाटी है पता नहीं, फिलहाल देखते हैं क्या होता है। फिलहाल निकल तो रहे हैं आगे, सोच रहे टर्मिनल के आसपास रहने का जगह होता ना तो आराम से रुक जाता, क्योंकि टर्मिनल ना काफ़ी लंबा है, 8 किलोमीटर का है, 8-9 किलोमीटर का। तो यहाँ पर ना एक टर्मिनल मिला है, कौन सा टर्मिनल है पता नहीं, खैर तो यहाँ पर पुलिस वाले नहीं हैं, देखते हैं एंट्री मिलेगा तो चले जाएंगे, नहीं तो देखा जाएगा फिर। हाँ तो गाइस रात के बज चुकी 8:30, और इस टाइम अभी पहुँचे हैं, और कहाँ पहुँचे समझ से बाहर है फिलहाल। अभी ना मैन हाईवे के किनारे अभी कैंपिंग करने वाले हैं, यहाँ पर सारा सामान ले चुका हूँ, वहाँ पर भाई लोग हैं, तो फटाफट कैंपिंग करते हैं उसके बाद फिर मिलते हैं। और आप सोचे ना बिलीव नहीं करेंगे, लाल दिखाता हूँ, देख सकते हैं बज चुकी है ना 8:30, आज काफ़ी लेट हो चुका है, खैर कोई बात नहीं, जगह मिल गया, आराम से सोते हैं।